हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर नंबर फिफ्टीन फन विथ क्ले लास्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था टुडे वी विल सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पेज नंबर वन हंड्रेड एंड टू थिंक एंड राइट लेट्स गेट स्टार्ट सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर इज वाई डिड द क्रो नीड अ पोर्ट क्रो को पोर्ट की आवश्यकता क्यों थी

पहले तुम यहाँ से जाओ और अपने डोटी बिग को साफ करो सो द क्रो went टू द well एंड आस्क फॉर सम वॉटर टू वॉश इज बिग तो फिर क्रो किसके पास गया वेल के पास गया और फिर उसने क्या कहा वेल से उसने वेल से कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी दो क्योंकि उसे क्या करना था बिग को वॉश करनी थी इसके लिए उसे क्या चाहिए था थोड़ा सा पानी चाहिए था The the well said, if you want water, get a pot from क्या करो पॉटर के पास जाओ और एक पोट लेकर आओ एंडल्ड इट विथ वॉटर फिर उसे पानी से भरो इज वाई द क्रो वॉन्टेड pot. इसके लिए इस वजह से क्रो को क्या चाहिए था पोट चाहिए था क्योंकि उसे पोट में क्या भरना था पानी भरना था जिससे वो अपने बीक को साफ कर सके इस वजह से क्रो को किसकी आवश्यकता थी पोट की आवश्यकता थी दैट्स वाई क्रो नीड अ पोट ओके स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पोट किसने किसने क्रो को मदद की थी पोट बनाने के लिए सो द आंसर इज द ब्लैक स्मिथ द टिम्बा एंड द पोर्टर हेल्प द क्रो टू मेक अ पोर्ट सो ब्लैक स्मिथ टिम्बा पोर्टर ये सभी जनों ने क्रो को पोर्ट बनाने के लिए मदद की थी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट थिंग्स डिड द पोटर नीड पॉटर को कौन सी कौन सी चीजों की जरूरत थी सो आंसर इज द पॉटर नीडेड क्ले वॉटर एंड अ पोटर्स व्हील्स टू मेक द पोट सो पोट बनाने के लिए पोटर को क्ले वॉटर एंड पोटर्स व्हील्स ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है पोटर्स नीड दिस ऑल द थिंग्स आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस विच आर दिस अगर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि क्ले से बने हुए यूटेंसिल्स आपके घर में है तो कौन से कौन से है वो यूटेंसिल्स सो द आंसर इज यूटेंसिल्स लाइक अ फॉर स्टोरिंग वाटर ए शेलो पेन फॉर मेकिंग रोटलास पोट्स फॉर प्लांट्स लैंप्स बर्ड्स बाट्स एक्सेट्रा मेड फ्रॉम क्ले आर देर इन माई हाउस तो कौन से कौन से चीजें है जो क्ले से बनी हुई है तो जो हम पानी भरने के लिए पोट यूज़ करते हैं वो स्टोरिंग वाटर शेलो पैन फॉर मेकिंग रोटलास तो रोटलास बनाने के लिए जो पैन यूज़ करते हैं जो मिट्टी का तवा वो पोट्स फॉर प्लांट्स प्लांट्स उगाने के लिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम जो पोट्स यूज़ करते हैं वो लैम्स बर्ड्स बाथ मतलब कि जो पक्षी पंछी होते हैं उन्हें नहाने के लिए जो बर्ड्स बाथिंग के लिए हम जो एक द ऑब्जेक्ट रखते हैं उसे मेड फ्रॉम क्ले आर देयर इन माई हाउस ये सारी चीजें किससे बनी हुई है तो ये सारी चीजें क्ले से बनी हुई है इफ सम गिव्स यू क्ले विल यू एबल टू मेक सम यूटेसिल फ्रॉम इट सो यहाँ पर कहा गया है कि इफ समवन गिव्स यू क्ले अगर आपको अगर कोई क्ले दे विल यू एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट तो क्या उसमें से आप कोई यूटेंसिल्स बना सकते हो कोई बर्तन बना सकते हो सो द आंसर इज येस इफ समिकले आई विल बी एबल टू मेक स्मॉल टॉय यूटेंसिल्स लाइक अ शेलो पेन फॉर मेकिंग रोटलाज अ रोलिंग स्लैब ए रोलिंग पिन अ स्मॉल कप अ स्पून अ सॉसर एक्सेट्रा विथ विथ चिल्ड्रन कैन हैव फॉर प्लेइंग तो ये सारी चीज़ें हम उसमें से बना सकते हैं तो देखो यहाँ पर आप क्या क्या बना सकते हो आप जो भी बना सकते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो लाइक देखो यहाँ पर कौन सी कौन सी चीज़ें हमने बताई है तो शैलो पेन मेकिंग रोटलास रोलिंग स्लैब रोलिंग पेन स्मॉल कप स्पून ए सॉसर ऐसी सारी जो टॉयज़ हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं टॉय यूटेंसिल्स मतलब कि जो खेलने के लिए बर्तन हम यूज कर सकते ये सारी चीजें हम क्ले से बना सकते हैं चलो नेक्स्ट सो नेक्स्ट इज ए बॉल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले मतलब कि जो बाउल होता है उसे बॉल से हमें जो क्ले का बॉल होता है मिट्टी का उससे बनाना है सो नीड क्ले एंड मेक अ बिग बॉल तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो क्ले है उसे जो डो होता है वो बनाना है और उससे बिग बॉल बनाना है क्या करना है बड़ा सा एक मिट्टी की गेंद बनानी है ओके यूजिंग योर थर्म मेक अ स्मॉल पिट इन देंटर बाय प्रेसिंग सो दैट इट लुक्स लाइक ए बाउल जो हमारा थंब है उसे यूज करके वहाँ पर क्या करना है एक पिट बनाना है सेंटर में थंब को प्रेस करके बनाना है तो वो कैसा लगेगा बाउल के जैसा लगेगा देखो यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिया गया है लुक एट द पिक्चर इन टू योर बुक सो लुक एट फर्स्ट पिक्चर जिसमें क्या किया गया है लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर तो उसमें एक बॉल है मिट्टी का गेंद बनाया है और फिर उसमें सबसे बीच में सेंटर पार्ट में क्या कर रहे हैं थम से प्रेस कर रहे हैं जिससे क्या बन जाता है थम से प्रेस करने के बाद एक बाउल के जैसा हो बाउल के जैसा बना रहे हैं तो देखो लास्ट में एक बाउल बन जाता है फिर उससे लीव इट टू ड्राई एंड देन डेकोरेट इट फिर वो बाउल को आपको क्या करना है सूखने के लिए छोड़ देना है लीव इट टू ड्राई एंड देन डेकोरेट इट फिर जब भी वो सूख जाता है फिर उसे क्या करना है डेकोरेट करना है यू कैन पुट थिंग्स यू लाइक इन दिस बाउल फिर वो बाउल में आप आपको जो भी पसंद है वो सारी चीजें अंदर रख सकते हो नेक्स्ट ए बाउल फ्रॉम ए रोल ऑफ क्ले यहाँ पर बाउल किससे बनाना है रोल ऑफ क्ले से बनाना है नीड सम क्ले विथ वॉटर तो पहले क्या करना है वाटर से झुक्ले है उसे नीडिंग करना है कीप असाइड सम क्ले मिक्स्ड विद वाटर फिर जो क्ले है जो आपने वाटर के साथ मिक्स करके रखी है उसे बाजू में रखनी है दिस विल सर्व एज ग्लू टू बाइंड टू डिफरेंट पीसेस ऑफ नीड नीडेड क्ले टेक अ पार्ट ऑफ द नीड क्ले एंड रोल इट लाइक अ थिक चपाटी फिर क्या करना है आप लोगों को थोड़ा सा जो क्ले है वो लेना है जो नीडिंग क्ले आपने नीडेड करके रखा है वो क्ले लेना है फिर क्या करना है रोल इट लाइक ए थिक चपाटी फिर उसको थीक चपाटी जी के जैसा उसको रोल करना है दिस विल बी The base of the और जो चौपाती जैसा पार्ट आपने जो सर्क्यूलर राउंडेड पार्ट बनाया है उसे क्या करना है, नीचे बेस में रखना है. जो बाउल का बेस है वहां पर उसे रखना है रोल द रेस्ट ऑफ द नीडेड क्ले लाइक अ स्नेक और जो दूसरा पार्ट है उसको क्या करना है आप लोगों को स्नेक के जैसे रोल करना है फिक्स द स्नेक शेप क्ले टू ऑन द बेस टू मेक अ as shown शोन इन picture. तो जैसे पिक्चर में बताया गया है वैसे उसे फिक्स करना है तो चलो पहले हम पिक्चर में देखेंगे तो सबसे पहले आपको कहा गया है कि जो क्ले है उसके दो पार्ट बनाने हैं उसमें से एक पार्ट है उसको आपको क्या करना है चपाटी के जैसे उसका बेस बनाना है तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक सर्कुलर पार्ट बना है लाइक अ चपाटी वो फर्स्ट पार्ट में रखना है आप लोगों को जो बाउल का बेस बनाना है उसके लिए फिर सेकेंड पार्ट में क्या करना है उसे स्नेक की तरह रोल करना है देखो यहाँ पर बना रहे हैं ना जैसे स्नैक होता है वैसे उसको ऐसे रोलिंग करके रखा है वहाँ पर फिर जो रोलिंग पार्ट है उसे फिक्स कर रहे हैं बाउल बनाने के लिए तो इसको ऐसे सर्कुलर सर्कुलर पार्ट में फिक्स करना है तो लास्ट में हमारा बाउल रेडी है ओके थिंक एंड टेल ए पोर्ट फ्रॉम अ चपाटी ऑफ क्ले यहाँ पर क्या किया है अभी हमें पोर्ट कौन से तरीके से बनाना है चपाटी ऑफ क्ले सो फर्स्ट क्या करना है लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पोर्ट पिक्चर को देखना है और पोर्ट बनाना है तो आप पिक्चर को देख के बता सकते हो कि कैसे बनाया गया है स्टूडेंट्स येस yes, तो पहले हमें क्या करना है एक चपाती के जैसा पार्ट बनाना है और फिर उसे क्ले बनाना है तो पहले जो क्ले है उसे रोलिंग पिन से रोल करना है और फिर एक फ्लैट पार्ट बनाना है तो नीचे चपाती के जैसा पार्ट रखना है और फिर जो शीट शीट जैसा बनाते हैं और वो पार्ट को हमें वो बेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में लगाना है वॉट विल है पूरा इफ यू स्टोर वॉटर इन दिस ओवर नाइट पानी भर के उसे ओवर नाइट मतलब की पूरी रात भर रखोगे तो क्या होगा इफ आई स्टोर वॉटर इन दिस ओवर नाइट द क्ले विल डिजोल्व क्ले क्या हो जाएगी डिजोल्व हो जाएगी मतलब कि घुल जाएगी दोर्ट विल ब्रेक एंड द विल स्पिल आउट जो है वो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा टूट जाएगा और जो पानी है पूरा आसपास में फैल जाएगा स्पॉयल्ड बाय वॉटर नेक्स्ट वी ऑफन कीप वाटर इन ए क्ले पोर्ट एट होम और इन द स्कूल वाई डू दिस पोर्ट्स नॉट गेट स्पॉय बाय द वॉटर तो हम जो घर तो में पानी भरते हैं या तो फिर स्कूल में पानी भरते हैं जो पोर्ट में उसमें से पानी क्यों नहीं गिरता है वाई डू दिस पोर्ट्स नॉट गेट स्पॉयल बाय द वाटर तो ये जो पोर्ट्स होते हैं वो वाटर को भरने की वजह से क्यों स्पॉयल नहीं हो जाते है? क्यों टूट नहीं जाते हैं सो आंसर इज दिस इज बिकॉज द पोटर मेक्स द पोर्ट्स एंड बेग्स दैम इन ए कीन तो पोटर क्या करते हैं पोर्ट बनाने के बाद उसे बेक करते हैं जो भट्टी होती है उसके अंदर उसे क्या करते हैं बेक करते हैं वंस दिस पोर्ट्स आर बेक एक बार ये जो पोर्ट होते हैं वो बेक हो जाते हैं दे डू नॉट गेट स्पॉयल बाय वाटर तो वो वाटर भरने से टूटते नहीं है अगर पोर्ट को बेक करते हैं हम बेक हो जाने के बाद जो पानी है वो पोर्ट में से निकलता नहीं है और पोर्ट स्पॉइल नहीं होता है मतलब कि पोर्ट टूटता नहीं है क्या आपने कभी जो पोर्ट्स होते है या फिर होती है, उसे बेक होते हुए कभी देखी है सो नो आई है किन स्टूडेंट अगर आपने देखी है तो आप यहाँ पर यस बी कह सकते हो अगर नहीं देखी है तो नो बी कह सकते लॉन्ग लॉन्ग अगो वेन पीपल डी नॉट हैव एनी पोर्ट्स वॉट डिड दूस पीपल डू जब भी पहले के टाइम पर बहुत ही पहले लॉन्ग लॉन्ग अगो लोगों के पास पोट्स नहीं थे तो लोग क्या करते थे सो लॉन्ग लॉन्ग अगो वैन पीपल डिड नाट हैनी पोट्स प्रीमिटिव मैन यूज लार्ज लिप्स तो वो लोग क्या यूज़ करते थे लार्ज लिप्स ऑफ ट्री मतलब कि जो ट्री पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसे यूज़ करते थे एमटी कोकोनट शेल्स और जो कोकोनट के शेल्स होते हैं एम खाली उसे यूज़ करते थे एंड पाउचेस मेड फ्रॉम लेदर टू स्टोर वाटर और लेदर के पाउचेस बनाते थे वो लोग पानी को स्टोर करने के लिए नेक्स्ट थिंक एंड राइट इमेजिन वन डे ऑल द पोर्ट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड व्हाट विल हैपन इन योर हाउस हमें यहाँ पर क्या करना है इमेजिन करना है कि पूरे वर्ल्ड में से अगर पोर्ट्स डिसअपियर हो गए तो क्या होगा आपके घर में सो आंसर इज इफ़ ऑल द पोर्ट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रबल तो क्या होगी सारे पोर्ट्स डिसअपियर हो जाएंगे तो क्या होगा देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रबल मतलब कि बहुत ही मुश्किलियाँ खड़ी हो जाएगी पीपल विल हैव डिफ़िकल्टीज इन फिलिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कूकिंग खाना बनाने के लिए और कुकिंग करने के लिए खाना सॉरी खाना बनाने के लिए और पानी पीने के लिए जो वाटर हम स्टोर करते हैं तो उसे भरने में क्या हो जाएगी बहुत ही डिफ़िकल्टीज हो जाएगी वी वुड हैव टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच कैन बी ईटर ड्रॉ एंड वुड हैव टू ड्रिंक वाटर स्ट्रेट फ्राम द टैप तो क्या होगा कि हमें क्या करना होगा वी वुड हैव टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वीच कैन बी इटर्न रॉ मतलब कि हमें उसे कच्चा ही खाना होगा हम उसे पका नहीं सकते हैं विदाउट वाटर वी कैन नॉट कूक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सो हमें ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्या करना होगा फिर उसे कच्चा ही खाना होगा वुड हैव टू ड्रिंक वॉटर स्ट्रेट फ्रॉम द टैप और जो टैप में से डायरेक्ट वाटर आता है वो ही हमें पीना पड़ेगा अगर पोर्ट्स नहीं हो गए तो हमें वॉटर को किसमें स्टोर करना होगा या तो फिर बकेट्स में कैन में या फिर लार्ज वेसल्स होते हैं उसमें विलेज विल नॉट गेट एनी कुल वाटर इन समर और जो विलेज एरियाज है उसमें उन्हें समर में क्या करना होगा जो कूल वाटर है वो उन्हें मिलेगा नहीं पीपल विल रिल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट्स एंड नो हाउ प्रीशियस थिंग्स मेड फ्रॉम क्ले आर तो जब ये पोर्ट्स नहीं गए तो पीपल को रियलाइज होगा कि पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है और तभी उन्हें पता चलेगा कि हमने जो क्ले में से जो पोर्ट्स बनाए हैं वो थिंग हमारे लिए कितनी प्रीशियस है पोर्ट्स हमारे लिए कितने प्रीशियस है जब भी पोर्ट्स नहीं होंगे तो हमें उनकी वैल्यू समझ में आ जाएगी सो पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट डू यू नो क्या आपको पता है मैनी मैनी ईयर्स अगो देर वॉज अ टाइम वैन पीपल हैड नो पोर्ट्स तो क्या है पहले के ज़माने की बात है और जब भी पीपल के पास मतलब कि लोगों के पास पोर्ट्स नहीं थे तब की बात है देस स्टार्टेड फीलिंग द नीड टू स्टोर एंड कूक फूड फिर उन्हें ऐसी फीलिंग होने लगी कि हमें पानी को भरने के लिए और खाना बनाने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है आफ्टर ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड थिंकिंग पीपल लर्न टू मेक pots. फिर बहुत सारे एफर्ट्स और सोचने के बाद लोगों ने पोर्ट्स को बनाया सीखने के बाद पीपल लर्न टू मेक पोट्स पोर्ट्स बनाना उन्होंने सीखा इन द बिगिनिंग पोर्ट्स वेर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले सबसे पहले स्टार्टिंग में पोर्ट्स किससे बनाए गए थे स्टोन एंड क्ले से बनाए गए थे पीपल मेड पोर्ट्स ऑफ स्टोन बाई डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स विद देयर हैंड्स तो वो कैसे पोर्ट्स बनाते थे तो स्टोन्स को डिगिंग करके मतलब कि उसके बीच में जो स्टोन्स बड़े बड़े स्टोन्स होते उसके बीच में वो लोग क्या बनाते थे गड्ढा बनाते थे एंड स्क्रैपिंग स्टोन विथ देयर हैंड्स और स्टोन्स को स्क्रैप करके वो बनाते थे दे मेड पोर्ट्स ऑफ क्ले बायिंग द क्ले एंड शेपिंग दैम विद देयर हैंड्स और फिर पोट्स को कैसे बनाते थे वो पहले क्या कर देते जो क्ले होती है उसे नीडिंग जैसे हम आटा गोंदते हैं वैसे वो क्या करते थे क्ले को जो मिट्टी होती है उसे गोंदते हैं एंड उसे फिर क्या करते हैं वो लोग जैसे हम आटा होता है उसे गोंदने के बाद वो कैसे आटा बन जाता है उसका वैसे ही वो जो क्ले होती है उसका जो होता है डो बना देते हैं और फिर उसमें से अपने हाथों से क्या करते हैं पोट का शेप देते हैं पीपल अल्सो डिस्कवर्ड दैट क्ले पोर्ट्स कुड बी मेड स्ट्रोंगर बाय बेकिंग दैम इन फायर फिर पीपल ने क्या फाइंड किया उन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया कि अगर क्ले पोट्स है उन्हें अगर हम बेक करेंगे फायर में मतलब कि आग में बेक करेंगे तो क्या होगा जो पोर्ट्स है वो क्या हो जाएंगे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाएंगे मतलब कि मजबूत बन जाएंगे सो so, ऐसे जो पोर्ट्स है वो डिस्कवर्ड हुए थे पहले के ज़माने में सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा लेसन नंबर फिफ्टीन क्ले विथ फन विथ क्ले फिनिश हो रहा है सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स बाय